गुड इवनिंग एवरीवन, होप एवरीवन इज होम एंड स्टेइंग सेफ। अपोलो सीबीसीसी कैंसर केयर अहमदाबाद हैज टेकन एन इनिशिएटिव टू प्रमोट कैंसर मुक्त जीवन फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। वी हैव विद अस डॉक्टर रुचित शाह, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, अपोलो सीबीसीसी कैंसर केयर। गुड इवनिंग हेलो सर। एवरीवन, हेलो एवरीवन, हाय वृंदा। Sir, can you please give us an introduction about yourself? यस, थैंक यू सो मच। सो आई एम डॉक्टर रुशित शाह। आई एम अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बेसिकली, एंड सो माय डोमेन ऑफ वर्क रिमेन्स अराउंड कैंसर। सो आई एम विद एंड इन द फील्ड ऑफ कैंसर सिंस लास्ट 4 इयर्स, एंड आई एम विद अपोलो सीबीसीसी सिंस ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर। Okay, great. So, the topic for today is smoking, lung cancer, and COVID-19. The first question is, what is lung cancer? राइट, सो लंग कैंसर मतलब सामान्य भाषा में कहे तो फेफड़े का जो कैंसर है उसको हम लंग कैंसर बोलते हैं। फेफड़े में एक तो हमारी श्वसन नली होती है, जो श्वसन नली गले में से जाती है छाती तक, और उसमें से फिर डिवाइड होती है और छोटी छोटी नलियां बनती है, और उसके आसपास पूरा फेफड़े के टिश्यूज रहते हैं। तो उसमें जो वही उसी टिश्यू में से जो कैंसर ओरिजिन होता है उसको हम लंग कैंसर बोलते हैं। अच्छा, तो लंग कैंसर के मेन कॉजेस क्या होता है? यस, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज लंग कैंसर इज इनफैक्ट प्रिवेंटेबल। लंग कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। जो मेन कारण है लंग कैंसर का, एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉजेस इज स्मोकिंग। स्मोकिंग, आप बीड़ी या बीड़ी ले रहे हो या सिगरेट ले रहे हो, कोई भी फॉर्म में आप स्मोकिंग कर रहे हो, वो लंग कैंसर का मुख्य कारण है। एंड अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ ऑल लंग कैंसर, मतलब जितने भी लंग कैंसर या फेफड़े के कैंसर होते हैं, उसमें 90% जो कैंसर होते हैं वो ओनली स्मोकिंग की वजह से होते हैं। तो स्मोकिंग इज द वेरी हैजार्डस थिंग। स्मोक जब आप करते हैं तब स्मोकिंग में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो निकोटिन होता है जिसकी वजह से हमें एडिक्शन होता है, उसकी लत लग जाती है, और दूसरी चीज जो होती है वो जो टार प्रोड्यूस होता है एंड अदर जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, उसकी वजह से जो लंग को दिन ब दिन क्रोनिक जो लंबे समय का डैमेज होता है उसकी वजह से उसमें से कैंसर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्मोकिंग एक वन ऑफ द मेन एंड इम्पोर्टेंट रीजन है फॉर लंग कैंसर, दैट इज ऑलवेज प्रिवेंटेबल, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि कई हार्मफुल केमिकल्स और मेटल्स होती है, जैसे निकल, क्रोमियम, आर्सेनिक, इस सब मेटल का एक्सपोजर यूजुअली इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होता है एट वर्क प्लेसेस, तो वो एक रीजन है लंग कैंसर का। एस्बेस्टोस एक्सपोजर अगेन, दैट इज ऑल्सो, वो भी एक कारण है लंग कैंसर का। एंड अगर हम गैस की बात करें तो रेडोन गैस, अगर रेडोन गैस की मात्रा कुछ प्रतिशत से ऊपर है तो उसमें भी लंग कैंसर का कारण रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा कुछ कैंसर्स होते ऐसे होते हैं जिसमें कुछ जेनेटिक जो कमियां होती है, जेनेटिक खामी होती है, उसकी वजह से होता है, या फिर हेरिडिटरी बोल सकते हैं। लंग कैंसर्स हेरिडिटरी काफी कम होते हैं, लेकिन यस, वो भी एक कारण हम बोल सकते हैं। तो जैसे कि आपने बोला कि स्मोकिंग इज वन ऑफ द रीजन जिसके वजह से या लंग कैंसर होता है, तो जब इंसान अ चेन स्मोकर फॉर एग्जांपल, हाउ डज ही नो उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या आते हैं? व्हाट आर द अर्लीस्ट साइंस एंड सिम्टम्स जिससे ऐसा वो टेस्ट करवाने जा सकते हैं? राइट, सो जैसे आपने बोला कि कोई पर्सन चेन स्मोकर हो, मतलब देख लीजिए कि हमारे पास तो पेशेंट आते हैं 30 इयर्स 40 इयर्स की स्मोकिंग हिस्ट्री होती है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सच ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग आपका जो कैंसर रिस्क है वो 200 गुना बढ़ा देती है उस पर्सन से कि जो स्मोक नहीं कर रहा है। सो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग टू नो कि हमारा रिस्क 200 गुना बढ़ सकता है। सो वो एक चीज है। सो जब लंग कैंसर का पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट होता है तो क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं? तो पहला मोस्ट कॉमन एंड इम्पोर्टेंट सिम्टम्स इज कॉफ, मतलब खांसी आना, खांसी जो कि लंबे समय से है और मिट नहीं रही है।
कई बार हमारे देश में ऐसी लंबे समय की जो खांसी चलती है, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉजेस इज ट्यूबरक्यूलोसिस और टीबी होता है। सो वो भी एक जानना जरूरी है, क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो टीबी मान के ट्रीटमेंट उनकी होती है और बाद में पता चलता है कि वो टीबी नहीं था बल्कि लंग कैंसर था। सो वो भी एक जानना जरूरी है कि लंबे समय की खांसी है तो टीबी भी हो सकता है, लेकिन स्मोकिंग की हिस्ट्री हो, एज ज्यादा हो, तो लंग कैंसर भी एक सोच में रहना चाहिए कि ये भी हो सकता है। कफ के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि खांसी में खून आना, जो कि हम हिमोप्टाइसिस बोलते हैं। जब भी गांठ जो होती है श्वसन नली में होती है, तो वो जो हमारी नसों को, खून की नसों को डैमेज करती है, तो वो जो खून है वो खांसी से बाहर निकलता है, तो हम उसको खांसी में खून आना वो बोलते हैं। तो वैसा भी कैंसर में हो सकता है। दूसरी चीज है कि सांस फूलना, अगेन सांस फूलना वो भी एक सिम्टम है, हो सकता है कैंसर का। ऑब्वियसली सांस फूलने के भी कई कारण होते हैं, कई रीजंस होते हैं, बट लंग कैंसर में भी ये होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कई पेशेंट्स को फेफड़े के कैंसर में छाती में पानी भर जाता है, मतलब जो लंग होता है और छाती की दीवार होती है बीच में पानी भर जाता है, तो उस पानी की वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो भी एक सिम्टम है कि चेस्ट में पानी भर जाना। अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी कैंसर छाती में होता है उससे आगे थोड़ा सा स्प्रेड होता है, तो कई बार गले में भी हमें गांठ या गठन मालूम पड़ सकती है, तो वो भी एक सिम्टम्स होता है कि गले में कभी कभी भी हमको गांठ लगे। ये सिम्टम्स हुए जब कैंसर लोकलाइज्ड होता है, मतलब फेफड़े में ही होता है या एटलीस्ट छाती में होता है, उसके आजू बाजू होता है। जब भी कैंसर वहां से स्प्रेड हो जाता है, छाती के बाहर स्प्रेड होता है, जैसे कि लीवर में स्प्रेड होता है, या लंग कैंसर जो है कॉमनली हड्डियों में, मतलब बोन्स में स्प्रेड होता है, एंड थर्ड थिंग इज ब्रेन में स्प्रेड होता है, तो जब वो स्प्रेड होता है तो उसकी वजह से जो सिम्टम आते हैं वो, अगर बोन में स्प्रेड है तो हड्डियों में पेन होता है, बैकएक मतलब कमर में दर्द होता है, वो एक हो सकता है। एंड जब भी लीवर में स्प्रेड होता है तो भूख नहीं लगना, पीलिया होना, वैसे भी चिन्ह मालूम पड़ सकते हैं। और जब ब्रेन में स्प्रेड हो तो फिर कभी कई कई बार हमको मिर्गी मतलब खींच आना, या फिर कंटिन्यूस सिर दर्द करना या उल्टी होना, वैसे भी लक्षण हो सकते हैं। और जब भी ये साइंस और सिम्टम्स आए तो व्हाट इज द डायग्नोसिस दैट अ लंग कैंसर पेशेंट गोज थ्रू? राइट, तो जब भी ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं कि उनको क्या क्या रिस्क फैक्टर है, स्मोक कर रहे थे, कर रहे हैं या पहले कर रहे थे, किसी फैमिली मेंबर में ये कैंसर है या पहले कोई ऐसा ट्यूमर कुछ डिटेक्ट हुआ है। उसके बाद हम पूरा चेकअप करते हैं उनको, जैसे कि हमने बताया कि गले में कोई गांठ मालूम पड़ रही है कि नहीं है, या फिर अदर और कोई एग्जामिनेशन पे और कोई फाइंडिंग है या नहीं है। उसके बाद हमारे जो मेन गोल होते हैं वो एक तो डायग्नोस करना कि कैंसर है या नहीं है, अगर है तो कौन से प्रकार का है, फेफड़े का है या किसी और ऑर्गन का है, एंड फाइनली स्टेज डिसाइड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो निदान या डायग्नोसिस करने के लिए हमको चाहिए टिश्यू चाहिए, मतलब लंग का छोटा सा टुकड़ा चाहिए जिस जो हम गांठ में से लेते हैं। जब भी ये गांठ हमारे जो श्वास नली है, श्वसन नली है छोटी छोटी, वहां के उसके नजदीक में रहती है, तो हम ब्रोंकोस्कोपी, एक प्रकार की एंडोस्कोपी होती है जो कि श्वसन नली में दूरबीन उतार के हम देखते हैं और उसमें से बायोप्सी लेते हैं। सो वो एक मोडालिटी हो गई डायग्नोसिस की। उसके बाद अगर कैंसर छाती की दीवार के नजदीक है, तो हम वहां से छाती में से ही छोटी सी सुई डाल के, सीटी स्कैन गाइडेड हम सुई डालते हैं, तो उसकी वजह से वो छोटा सा टुकड़ा हम ले सकते हैं, तो उसको सीटी गाइडेड, सीटी स्कैन गाइडेड बायोप्सी हम कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब भी हमको बाहर कहीं पे भी गांठ दिखती है, जैसे गले में दिखती है, तो हम डायरेक्टली वहीं से छोटी सी बायोप्सी कर सकते हैं, उसमें हमको छाती के अंदर तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कई बार जैसे कि मैंने बताया कि पानी भर जाता है छाती में, तो उस केसेस में हम सिर्फ पानी थोड़ा सा निकाल के उसकी जांच भेज देते हैं, तो वो भी एक सफिशियंट रहती है। तो ये चीज हो गई कि हमने डायग्नोस कर लिया कि लंग कैंसर है या नहीं है। उसके बाद कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, जो कि हमको जो भी ट्रीटमेंट से पहले जरूरी होते हैं। और स्टेजिंग एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब कैंसर कौन से स्टेज में है, लोकलाइज्ड है कि स्प्रेड हुआ है।
वो जानने के लिए लंग कैंसर के केसेस में स्पेसिफिकली हम पेट सीटी एडवाइस करते हैं। मतलब पेट स्कैन, वो एक पूरे बॉडी का स्कैन होता है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि कैंसर कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, तो उसके हिसाब से हम स्टेज में डिसाइड करते हैं। ओके. और ये सारे जो आपने हमें डायग्नोसिस के बेस बताए, उसमें मॉलिक्यूलर टेस्टिंग का क्या रोल होता है? राइट, सो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग जो अभी रिसेंट एरा में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हो गई है कैंसर डायग्नोसिस एज वेल एज ट्रीटमेंट पार्ट में। एंड लंग कैंसर के बारे में स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो जो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग है वो इम्पोर्टेंट उसका रोल है। ऑब्वियसली डायग्नोसिस में हम कई बार जब कंफ्यूजन होता है तो हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं बायोप्सी के बाद उसके टिश्यू पर, जानने के लिए कि कैंसर कौन सा प्रकार का है। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दिस मॉलिक्यूलर टेस्टिंग का वो है कि ट्रीटमेंट प्लानिंग में। लंग कैंसर में ऐसी बहुत सारी टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है जो वो काम करेगी या नहीं करेगी वो जानने के लिए हमको कुछ जो बायोप्सी ब्लॉक होता है उस पे मॉलिक्यूलर टेस्ट कराने की जरूरत होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ओवरऑल वो कैंसर कैसे बिहेव करेगा और क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को ज्यादा सूट करेगा। तो लंग कैंसर में पर्टिकुलरली मॉलिक्यूलर टेस्टिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेसिफिकली फॉर इन एडवांस केसेस। ओके. सो आफ्टर द डायग्नोसिस एंड एवरीथिंग, ऑल द प्रोसीजर्स आर ओवर, व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स दैट यू आर रेकमेंडिंग टू द पेशेंट्स, और क्या क्या ट्रीटमेंट एक पेशेंट को गो थ्रू करने पड़ते हैं? राइट, जैसे कि बाकी कैंसर के साथ होता है वैसे ही लंग कैंसर में भी जो ट्रीटमेंट है वो स्टेज के हिसाब से वेरी करती है। जहाँ भी कैंसर बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है जैसे कि स्टेज 1 और स्टेज 2 तक भी और पेशेंट फिट है तो हम केवल सर्जरी करके वो जो कैंसर की जो गठन है वो रिमूव कर सकते हैं। और जो फाइनल उसका रिपोर्ट आता है हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट, उसके बेसिस पे तय होता है कि आगे रेडियोथेरापी या कीमोथेरापी की जरूरत है कि नहीं है। तो जब भी कैंसर इतने अर्ली स्टेजेस में होता है तो इट इज फॉर अस ऑल्सो इजियर टू ट्रीट, क्योंकि वो छोटी सी गठन है सर्जरी से रिमूव हो सकती है तो वो बहुत ही जो है कि प्रिफरेबल थिंग रहती है। तो ये हुई अर्ली प्रेजेंटेशन की बात। अगर थोड़ा सा आगे हम जाए तो स्टेज 3 कैंसर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का रोल रहता है। मतलब कीमो और रेडियो साथ साथ में चलती है, जब भी ऑपरेशन नहीं हो सकता है तब, तो उस केसेस में हम कीमो और रेडियोथेरेपी से ही कैंसर को मिटाने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पे भी हमारा अप्रोच क्यूरेटिव रहता है, मतलब हम मिटाने के उद्देश्य से ही जो है पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि स्टेज 3 होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि सर्जरी हो पाए तो हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं, उसको गठन को छोटी करने की या लिमिट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि सर्जरी हो सकती है या नहीं। सो ये हुई स्टेज 3 तक की बात की हमने। बट काफी टाइम ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखें तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आइदर उन्हें कुछ सिम्टम्स नहीं होते पहले या फिर माइनर सिम्टम्स होते हैं जो वो इग्नोर करते हैं। जब ऐसे जैसे कि स्टेज 4 में पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम बायोप्सी करवाते हैं, पेट स्कैन करवाते हैं, कहाँ पे स्प्रेड हुआ है वो देखते हैं। एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन बायोप्सी रिपोर्ट हम सर्टेन मॉलिक्यूलर टेस्ट एडवाइस करते हैं कि पेशेंट टारगेटेड थेरेपी का या इनफेक्ट इम्यूनोथेरेपी का भी कैंडिडेट है या नहीं है। सो टारगेट थेरेपी एंड इम्यून थेरेपी का लंग कैंसर में बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रोल है। टारगेट थेरेपी जो होती है उसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि वो जनरली ओरल टेबलेट्स के फॉर्म में दी जाती है। एंड जैसे कि हमें पहले से पता होता है कि वो टारगेट पेशेंट के लिए काम करेगा या नहीं करेगा, तो उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा होता है पेशेंट को। और टिपिकल जो कीमोथेरेपी की साइड इफेक्ट्स होती है जैसे बाल चले जाना या ज्यादा उल्टी उबका होना या ब्लड काउंट्स का कम होना, वो सब साइड इफेक्ट्स ये टारगेटेड थेरेपी में नहीं रहती है और पेशेंट इजीली उसको टॉलरेट कर सकता है और घर पे ही डेली उसको टेबलेट्स लेना होता है। सो दिस इज समथिंग अबाउट टारगेटेड थेरेपी। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी का भी लंग कैंसर में बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला है। कई बार इम्यूनोथेरेपी, सिर्फ इम्यूनोथेरेपी हम देते हैं, कई बार इम्यूनोथेरेपी भी प्लस कीमोथेरेपी देते हैं।
तो इम्यूनोथेरेपी क्या है? यूजुअली नॉर्मली क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो सेल डिवीजन या होता है, तो उस टाइम पे कुछ कुछ डिफेक्ट्स होती है जो आगे जाके कैंसर पैदा कर सकती है, लेकिन हमारी इम्यून सिस्टम ही जो वो डिफेक्ट्स होती है उनकी वो टेक केयर करती है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो जब भी कैंसर होता है तब हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वीक हो जाती है उस कैंसर की जो ट्यूमर होता है उसके सामने लड़ने के लिए। तो बेसिकली बाय गिविंग इम्यूनोथेरेपी हम हमारी ही पेशेंट की खुद की इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का ट्राई करते हैं अगेंस्ट द कैंसर। सो वो एक नया अप्रोच है इम्यूनोथेरेपी का। उसका भी एडवांटेजेस ये है कि जो टिपिकल कीमोथेरेपी जैसी साइड इफेक्ट्स उसमें नहीं रहती है, वो जनरली हम कीमोथेरेपी जैसे ही नस के द्वारा देते हैं, तो पेशेंट को एक बार हॉस्पिटल आना पड़ता है, लेकिन एक तो साइड इफेक्ट्स उसकी काफ़ी कम रहती है, पेशेंट अच्छे से टॉलरेट कर सकता है, और रिस्पॉन्स भी जिनको जिन पेशेंट को रिस्पॉन्स मिलता है उनको लंबे समय तक भी रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो स्टेज 4 कैंसर में भी इनफेक्ट अच्छा सर्वाइवल इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी से मिल सकता है। अनदर यस थर्ड थिंग आई फॉरगेट टू मेंशन इज अबाउट रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी जिसमें हम जो एक्सरे ही होते हैं, लेकिन वो हमारे लिमिटेड डोजेस में हम पेशेंट को देते हैं। सो रेडियोथेरेपी इज ऑल्सो अदर अनदर मोडालिटी। उसको हम कीमोथेरेपी के साथ यूज करते हैं टू ट्रीट जो कुछ स्टेज 3 कैंसर को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को स्टेज 4 का कैंसर है, जैसे हड्डी में स्प्रेड हुआ है या लंग में है, उसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उसके लिए भी रेडिएशन उस समय पे दे सकते हैं। सो ये जो ट्रीटमेंट के टाइप्स आपने इतने सारे बताए, अब लेट्स कम टू दैट पार्ट वेर इन वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट द कैंसर मुक्त जीवन. हाउ कैन लंग कैंसर बी प्रिवेंटेड? यस, सो लंग कैंसर प्रिवेंट करना एक्चुअली इट इज एट इंडिविजुअल लेवल आल्सो एंड एट कम्युनिटी लेवल आल्सो। इंडिविजुअल लेवल एक तो स्मोकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टॉप करना है, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो देर आर लॉट ऑफ वेज, काफी सारी ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से आप अगर आप स्मोकिंग कर भी रहे तो आप वो छोड़ सकते हैं, आप या आपको हेल्पफुल हो सकती है वो ट्रीटमेंट। एंड अनदर थिंग इज लंग कैंसर डायग्नोस होने के बाद भी कई पेशेंट्स स्मोकिंग करना चालू रखते हैं, तो कई बार ऐसी हमें क्वेरी होती है कि अभी एक बार कैंसर हो गया, अभी स्मोकिंग छोड़ने से क्या फायदा होगा। तो वो भी एक बिल्कुल एकदम गलत जो है मान्यता है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम स्मोकिंग बंद करते हैं, इवन बिफोर सर्जरी, इवन बिफोर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, वो अल्टीमेटली हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर पेशेंट स्मोकिंग कंटिन्यू करता है ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट, तो जो हमको बेनिफिट मिलना चाहिए ट्रीटमेंट का वो मिलता नहीं है। पोस्ट ऑपरेटिव जो रिकवरी होती है पेशेंट्स में वो डिलेड होती है, और रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की वजह से जो थोड़ी साइड इफेक्ट हो सकती है वो भी बढ़ जाती है और बेनिफिट कम हो जाता है। तो एक बात है कि इट इज नेवर टू लेट टू स्टॉप स्मोकिंग। कभी भी जो स्मोकिंग है वो छोड़ना कभी भी लेट नहीं है। आपको जब भी पता चले, जब भी आप अवेयर हो जाते हो या जब भी आप मोटिवेटेड हो, तो आपको स्मोकिंग छोड़ने का ट्राई करना चाहिए। सर, लेकिन आई हैव सीन, आई मीन देर आर सो मेनी केसेस जिसमें सिर्फ स्मोकिंग के वजह से लंग कैंसर नहीं होता है. तो उस तो दूसरे रीजंस मे बी हेरिडिटी और समथिंग, बट देर इज अ बिलीव दैट लाइक यू सेड कि स्मोकिंग करते हैं तो उसके बाद कैंसर डिटेक्ट होता है, तो क्या करो छोड़ के. लेकिन कुछ कुछ लोगों का तो ऐसा होता है कि स्मोक नहीं करते हैं, उसके बावजूद दे आर डायग्नोस्ड विद लंग कैंसर. So, what do you have to say about that? यस, सो आवर एक्चुअली आवर पर्पज ऑफ डूइंग दिस एंड स्प्रेडिंग दिस इंफॉर्मेशन टू द पीपल इज दैट ओनली, कि वैसे केसेस में जहाँ पे स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं है, तो उस केसेस में पेशेंट को या नॉर्मल पॉपुलेशन को अवेयर होना पड़ेगा कि क्या क्या सिम्टम्स मेरी बॉडी में, क्या एबनॉर्मल हो रहा है, क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है। पैनिक नहीं होना है कि मुझे कैंसर ही होगा या ऐसी गंभीर बीमारी होगी, ये पैनिक नहीं होना है। लेकिन एटलीस्ट ऐसा कुछ भी सिम्टम्स है, लंबे समय से कफ है, थोड़ा भी सांस फूल रही है या कहीं भी गांठ दिख रही है, तो
कफ में खून आता है ऐसा, या फिर वेट लॉस होता है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है, तो ये सब केसेस में पेशेंट को या नॉर्मल पॉपुलेशन को अवेयर रहना है कि हमें एक बार तो डॉक्टर को दिखाना है तो जो भी बीमारी है उसका इलाज हो सके। तो इसके इससे क्या हुआ कि कैंसर अभी जो मैंने बोला जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस लंग कैंसर केसेस वी आर डिटेक्टिंग इन स्टेज 3 एंड स्टेज 4, तो उससे अगर हम अर्लियर स्टेजेस में डिटेक्ट कर सके तो एक तो ट्रीटमेंट भी इजी हो जाएगी, ट्रीटमेंट भी कम हो जाएगी एंड साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे एंड ओवरऑल पेशेंट का सर्वाइवल भी इंक्रीज होगा। ओके, इन द करंट सिचुएशन इन दिस पेंडेमिक लंग कैंसर के नंबर ऑफ केसेस में राइज हुआ है या फॉल हुआ है? डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑन दैट? वो कहना तो मुश्किल है एक्चुअली कि लंग कैंसर के केसेस में राइज हुआ है कि फॉल हुआ है, लेकिन ये बात है कि जो जैसे अभी ऑलमोस्ट फोर मंथ्स और मोर से कोविड-19 की पेंडेमिक जो चल रहा है उसकी वजह से कई बार कई पेशेंट का ऐसा हुआ है कि किसी ने ट्रीटमेंट जो डर होता है कि हॉस्पिटल जाने का डर, उसकी वजह से ट्रीटमेंट हाफ डिले कर रहे हैं या फिर ट्रीटमेंट इनिशिएट नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ सिम्टम्स है तो भी डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है। तो मेरा ये मैसेज रहेगा कि ये नहीं होना चाहिए। अपोलो सीबीसीसी कैंसर केयर इनफैक्ट ये पैंडेमिक कोविड पैंडेमिक के ड्यूरिंग भी पूरी तरह से वर्किंग था एंड हम लोग भी वर्क कर रहे थे, पेशेंट को देख रहे थे। तो वो एक चीज़ है कि कैंसर में हमें जो बेस्ट चांस है वो एक बार मिलता है, तो वो चांस का वो हमें यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं है कोई और बीमारी नहीं है कि 4 महीने के बाद उसकी ट्रीटमेंट कराएंगे या 12 महीने के बाद उसकी ट्रीटमेंट कराएंगे तो भी हमें ट्रीटमेंट हो जाएगी और सेम रिजल्ट मिलेगा, वैसा नहीं है कैंसर की ट्रीटमेंट में। तो वो एक चीज़ लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए और जैसे भी कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो तुरंत आके चेकअप करवा के ट्रीटमेंट इनिशिएट करनी चाहिए। आई थिंक वी कैन टेक अप ऑडियंस क्वेश्चंस नाउ। Yeah, sure. Sapna has a question. Do genetics play a role in getting cancer? Yes. So as I said that 90% of lung cancer patients have history of smoking. So rest jo 10% hai, usme to certain extent yes, genetics do play a role. But in our clinical practice, those numbers are very less. For specifically lung cancers, yes, for other cancers genetics do play a significant role, like breast cancers and ovarian cancer. Next question. Does an occasional smoker have the same risk of getting lung cancer as a chain smoker? So no amount of smoking is safe actually. So जब हम स्मोकिंग चालू करते हैं, वेदर इट इज ओकेजनल और चेन स्मोकर, देयर इज नो ओकेजनल स्मोकर। इफ यू आस्क एनी स्मोकर, इट इज दे इवेंचुअली टेंड टू बिकम चेन स्मोकर। सो देयर इज नथिंग लाइक ओकेजनल स्मोकर एंड दे शेयर ऑलमोस्ट द सेम रिस्क ऑफ गेटिंग लंग कैंसर एज चेन स्मोकर्स अनलेस दे स्टॉप। ओके, डज अ रेगुलर स्मोकर हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग अफेक्टेड बाय कोविड? Okay, so this question is not particularly related to cancer, but yes, when you smoke, there is a generation of inflammation in our lung, and there is a lot of oxidative stress is produced in our lung. So smokers are predisposed to many health conditions like COPD, chronic obstructive lung diseases, in fact, heart conditions. And COVID also, yes, smokers are do have more chance of getting affected by COVID. Okay. The next question is by Darshan. He's asking, does smoking long-term cause any diseases other than lung cancer? Yes. Agar hum cancer ki hi baat kare, to apart from lung cancer, smoking kaafi jo hai cancer aur cancers karta hai. Jaise ki first of all hum start kare to head and neck cancer. जैसे कि जीभ का कैंसर है या हमारे जो चीक गले का कैंसर है, उसके बाद अन्न नली का कैंसर है, स्टमक का कैंसर है, और लंग कैंसर तो हमने बात कर लिया, पैंक्रियाटिक कैंसर है मतलब स्वादुपिंड का जो कैंसर होता है वो है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है, किडनी कैंसर है, तो बहुत सारे ऐसे कैंसर है जो स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम कैंसर,
बहुत सारे ऐसे भी डिजीज है जो स्मोकिंग के वजह से हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज, इश्चेमिक हार्ट डिजीज, मतलब जिसकी वजह से हमको हार्ट अटैक आता है, तो वो एक स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। अदर लंग डिजीजेस लाइक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, वो भी ऐसे स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय आशुतोष, कैन स्मोकिंग लीड टू एस्थमा? यस डेफिनेटली। तो स्मोकिंग की वजह से जो हम बोलते हैं उसको टर्म करते हैं, वो यूजुअली अगर किसी पेशेंट को अस्थमा की टेंडेंसी है, हिस्ट्री है, और अगर वो स्मोक करता है तो वो उसको जो अस्थमेटिक अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। दिस इज रिगार्डिंग पेशेंट्स हु आर हैविंग टेंडेंसी फॉर अस्थमा। अगर किसी को ऐसी टेंडेंसी नहीं है तो उसमें जो हम बोलते हैं जो होता है वो COPD होता है, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस। तो इसमें प्रेजेंटेशन अस्थमा की जैसे ही होता है, बीच बीच में अटैक आपको आ सकते हैं एकदम से सांस फूलने के, तो स्मोकिंग जो लंग डिजीज प्रोड्यूस करता है उससे अस्थमा जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। यस ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अखिल, ही इज आस्किंग डस स्मोकिंग इवन वन सिगरेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर? सो दिस इज हैपनिंग लाइक बार्गेनिंग, यू बार्गेन विद एनीवन और विद डॉक्टर, सो इट इज नॉट लाइक दैट। यस If you see practically, it is not possible to just smoke one cigarette and leave. Otherwise, literally, if you speak, then one cigarette definitely it may not increase the risk of cancer. But usually, that doesn't happen. That is what I meant to say. Okay. The next question is by Jane. We have all seen chain smokers that have lived a healthy and long life. How can some people smoke and not get any ailments? So I think they are the luckiest persons, because if you see otherwise, that most of the patient who comes to us with lung cancer and even with other diseases, the majority of them have history of taking tobacco in some form, either smoking or either chewing tobacco. So yes, it may happen, because every person is different. But we have to see a larger scenario and what is happening at the level, at the public level. Okay. Jaideep has a question. Does diet affect lung cancer risk? So far we don't have any specific evidence regarding diet practices or change in the diet practices, which could either lead to increase or decrease the risk of lung cancer. So far, we don't have any evidence for that. Okay. The next question is by Jamin. Is living in an overpopulated city exposed to chemicals as harmful as smoking a cigarette, since it both results to respiratory issues or lung cancer? How exactly do you avoid that? Yes, so continuous exposure to even city fumes and toxic chemicals, inhaling those chemicals also leads to increase in cancer. There are also specific fumes like diesel fumes have a very much increased chance of chronic exposure to those diesel fumes, have many-fold increased chances of lung cancer. Apart from that, in our day-to-day environment, it may not affect the risk of lung cancers, but for certain scenarios like those I mentioned, that may produce increased risk of lung cancer. Okay. Divya's question is, does passive smoking have any later seen symptoms? Yes, this is a good question. So passive smoking is equally, almost equally as hazardous as active smoking, because the amount of smoke you get to, which you get exposed to, it is almost nearly same at which the smoker is exposed. So it is very harmful, and it can produce all the ill side effects which active smoking produce, and even the cancer also. Okay. Harsh asks, my question is, if someone decides to quit smoking, how can they start detoxing their lungs? Okay. So I think... The person was
trying to ask that is my cancer risk reduces if I stop smoking? So answer to that is yes. At the moment you stop smoking, your risk of developing cancer, it start reducing. But yes, it never come down to a person who has never smoked. So रिस्क कम होता जाता है, लेकिन वो कभी भी जो बेसलाइन रिस्क जो नॉर्मल पर्सन के लिए रहता है वहां तक नहीं पहुंचता है. सो इट इज बेटर टू अवॉइड रादर देन कीप स्मोकिंग एंड एंड देन स्टॉप. ओके, इशितार्स क्वेश्चन इज, डू निकोटीन पैचेस वर्क? यस यस, डू निकोटीन पैचेस दे डू हेल्प in quitting the smoking, because they just deliver the nicotine jo smoke se hame milta hai, wahi nicotine hum patch ke dwara dete hain hamari body mein. To uski wajah se nicotine supplement dene se jo smoking ki jo ye ek jat ki talab hoti hai, ichha hoti hai, wo hame nahi ho pati hai. To it helps in the preventing, helps in the reducing the smoking. Great. Any more questions? Great. So, any final message that you have for our viewers? Right. So, message. My only message is, as far as possible, one should refrain from smoking or using tobacco in any form. And second thing is, be aware, be vigilant about your body, and look for if any kind of abnormal symptoms or signs develops, and go to your doctor. And after diagnosing, if someone is diagnosed with lung cancer or any other cancer, do not delay in either diagnosis or treatment, and follow your doctor's advice and complete the treatment at a stretch. Great. Thank you so much for your time today, sir. I think we will end this session today. Thank you.